ये कार देखने से कोई रेसिंग कार के जैसे दिखती है। ये कार बेहद ही खूबसूरत है, पर खूबसूरत होने के साथ ही ये काफी श्रापित भी माना गया है। इस छोटी सी कार को कई सारे मौतों और कई सारे एक्सीडेंट्स का कारण माना गया है। ये पॉपुलर अमेरिकन एक्टर जेम्स बायरन डीन का कार था। ये पोर्स 550 स्पाइडर है, जिसे जेम्स ने लिटिल बास्टर्ड का नाम दिया था। जेम्स को ऑटो रेसिंग का काफी शौक था। उन्होंने अपनी ग्रेट हिट मूवी द ईस्ट ऑफ ईडन के बाद जॉर्ज बैरिस, जिन्होंने बैट मोबाइल जैसे फेमस कार्स को डिजाइन किया था, उनसे एक पोर्स 550 स्पाइडर को खरीदा था। वो उस कार में हॉलीवुड का एक चक्कर लगा रहे थे, तब उनको वहाँ पे पॉपुलर ब्रिटिश एक्टर एलेक गिनीज मिलते हैं। फ्राइडे 23, 1955 के इवनिंग को जेम्स जब अपने नए कार को एलेक को दिखाते हैं, तो एलेक बहुत ही चौंका देने वाला बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर जेम्स उस कार को ड्राइव करता है, तो अगले हफ्ते तक इसी वक्त को जेम्स का मौत होना पक्का है। इस बात को सुनकर जेम्स हंस पड़ते हैं और अपना डिनर को एलेक के साथ इंजॉय करते हैं। September 30, 1955 के इवनिंग को जब जेम्स अपने कार में सैलिनस कैलिफोर्निया में रेसिंग कर रहे होते हैं, सडनली एक कार से उनका हेड ऑन हेड कोलिजन हो जाता है और घटना स्थल पे ही उनका मौत हो जाता है। क्या आपने नोटिस किया कि उनका मौत ठीक उसी समय पे हुआ है जैसे कि एलेक गिनीज ने कहा था? तो उनके साथ की गई एक BBC इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने वो बात जेम्स को कहा था, तब वो अपने कंट्रोल में नहीं थे, मानो कोई रूहानी ताकत उनको ये सब बोलने पर मजबूर कर रहा था। जेम्स टीन का मौत वाकई शॉकिंग था, मगर उस कार का कर्स जस्ट शुरू ही हुआ था। जॉर्ज बैरिस ने उस डैमेज्ड कार को खरीद लिया और उन्होंने उस कार का पार्ट्स को बेचने का फैसला किया। पर जैसे ही वो डैमेज्ड कार बैरिस के गैराज में पहुंचता है, उसी पल उनके एक मैकेनिक को उस कार के वजह से सीरियस लेग इंजरी हो जाता है। बैरिस ने इस इवेंट को नजरअंदाज करते हुए पार्ट्स को बेचना चालू रखा। एक यंग डॉक्टर ट्रॉय मैकहेनरी लिटिल बास्टर्ड के इंजन को अपने रेसिंग कार में डालते हैं और 22 अक्टूबर 1956 के दिन कैलिफोर्निया के एक रेस में वो गाड़ी पर से कंट्रोल खोने के कारण एक पेड़ से टकरा जाते हैं और वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं। सिमिलरली डॉक्टर विलियम भी उस गाड़ी के कुछ पार्ट्स को अपने रेसिंग कार में डालते हैं और एक रेस के दौरान कार पर से कंट्रोल खोने के कारण वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। एक तरह से वो मरते मरते बच जाते हैं। उस डैमेज्ड कार के दो टायर्स यूजेबल थे, जिन्हें एक आदमी खरीद लेता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग करते हुए वो दोनों टायर्स अचानक से सेम टाइम पर फट जाते हैं और उस आदमी का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। इतने सारे डेथ और इंजरीज को देखकर अब बैरिस भी उस कार के पार्ट्स को बेचना बंद कर देते हैं। पर कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल से रोड सेफ्टी एग्जीबिशन के लिए जब उनको अनगिनत रिक्वेस्ट आने लगती है, तो बैरिस वो कार को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को सौंप देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जिस गैराज में उस गाड़ी को पार्क किया गया था, वहां पर आग लग जाता है। उस आग में पार्क की गई सारी गाड़ियां जल जाती है, मगर एक कार को छोड़कर जो जेम्स डीन का कार था। फाइनली जब कार को एग्जीबिशन पर रख दिया जाता है, तो एक दिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो कार डिस्प्ले से गिर जाता है और एक विजिटर को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। इस अनलकी एग्जीबिशन के बाद लिटिल बास्टर्ड को कैलिफोर्निया के दूसरे पार्ट में शिफ्ट करने के लिए लॉरी में रखा जाता है, मगर वहां भी लॉरी के ड्राइवर जॉर्ज बार्किस ट्रिप के दौरान लॉरी से फेंक दिए जाते हैं और उन पर वो कार गिरने के कारण वहीं पे उनका मौत हो जाता है। इन सारी घटनाओं के बाद जब 1960 में उस कार को दूसरे एग्जीबिशन के लिए शिफ्ट किया जा रहा होता है, तभी अचानक से वो कार और उसको कैरी करता हुआ लॉरी दोनों गायब हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कार किसी ऐसे बंदे ने चुराया है जो उन बातों पर विश्वास नहीं करता था। तो इन सारी इवेंट्स और डेथ को देख के हमको नॉर्मली ये लगता है कि वो कोई कर्स या फिर बैड लक के चलते हुआ होगा, मगर इस केस पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी गई है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी ये कहती है कि जेम्स डीन का मौत कोई प्लानिंग के तहत किया गया है और उनका उस मेन प्लान को कवर करने के लिए वो सारी डेथ्स और एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया है। कॉन्स्पिरेसी चाहे जो भी हो, प्रूफ कोई भी नहीं है। तो ये एक मिस्ट्री है कि आखिर उन मौत और इंजरीज का दोषी कौन था, वो कार या फिर कोई और। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।